हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत से पौधे के बारे में बात करेंगे जिसे कैना लिली कहा जाता है। देखिए कितने सुंदर फूल इसमें आए हुए हैं, बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर है इसका, तो बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसमें और कई सारे कलर आते हैं। मेरे पास ये एक कलर है और एक कलर और है, उसमें तो अभी फूल आए नहीं हैं। देखें कितनी सारी कलियां भी बनी हुई हैं। ये देखिए एकदम लंबा सा स्टिक, ऐसे स्टिक निकलता है, उसी में से फूल ऐसे खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो इसे केली का पौधा भी बोला जाता है। ये केले के पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसी के जैसे इसकी पत्तियाँ देखी हैं, साइज में उससे छोटी होती हैं, तो इस वजह से इसे केली का पौधा भी बोला जाता है। और इसकी एक वैरायटी और भी आती है, ड्वार्फ वैरायटी। ये तो लॉन्ग वैरायटी है, एक इसमें ड्वार्फ भी आती है। कलर भी इसमें कई आते हैं। तो ये बैरिगेशन में इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से होती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर आपने 10 पौधा रखा है और उसके बीच में अगर एक इस पौधे को रखते हैं तो उसमें ये अलग ही लुक क्रिएट करता है, बिल्कुल अलग लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए एक दूसरे कलर का है ये, इसमें अभी फ्लावर तो नहीं आए हैं, तो इसमें शायद पीले रंग के फूल आएंगे क्योंकि वेरिगेशन जिस कलर का होता है उसी कलर से फूल आते हैं, तो शायद पीला आए। अभी तक तो फूल आए नहीं हैं इसमें, खिले ही नहीं हैं, तो मुझे पता भी नहीं है कि किस कलर का फूल इसमें निकलेगा। तो इस तरह से बहुत लंबी लंबी स्टिक निकलती हैं और उसी में से फ्लावरिंग होती है। ये देखिए मैंने एक छोटे से डब्बे में इसको लगाया है, वैसे तो इसको बहुत बड़े पॉट में लगाना चाहिए, बड़े पॉट में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा प्लांट ये हो गया था कि मैंने एक बेबी प्लांट निकाल के उसमें लगा दिया और उसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये वाला एक देखिए गैलन में इस तरह से जो ऑयल का केन आता है ना उसमें लगाया हुआ है। तो अगर एक सिर्फ आप एक पौधा ले आते हैं, ये बल्ब के जैसे ही इसका पौधा मिलता है उस तरह एक ले आएंगे, अगर एक पॉट में लगाएंगे तो पूरा पॉट कुछ ही दिनों में भर जाता है। बेबी प्लांट इस तरह से निकलते रहते हैं, नई नई पत्तियां नीचे से निकलती रहती हैं। देखिए देखिए नई नई पत्तियां, न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से पूरा पॉट भर जाएगा, देखिए इसमें से भी न्यू पत्ती निकल रही है। तो आज हम इसके केयर के बारे में बात करेंगे कि इसकी केयर कैसे करें कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। हालांकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, ये पौधा बहुत कम केयर में अच्छे से चलने वाला ये प्लांट है। तो मिट्टी के लिए इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी ही बनाएं, जिसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट लें। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी हो आप ले सकते हैं। और इसको पॉट थोड़ा बड़ा दें, मैंने तो यहाँ पे एक छोटे पॉट में ही लगा दिया है, लेकिन अगर पहली बार ये प्लांट लगा रहे हैं तो थोड़े बड़े पॉट में लगाएं। जब वो भर जाए तो बेबी प्लांट निकाल के आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार पहली बार बड़े पॉट में लगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है। पानी, इसको नमी बहुत पसंद है तो पानी उसी हिसाब से डालें, मिट्टी इसकी सूखे नहीं, नमी इसमें बराबर बनी रहनी चाहिए, पानी इसको बहुत पसंद है, तो चेक कर लें। और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन पानी नहीं देंगे तो ये पौधा मर जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन पत्तियां खराब हो जाएंगी, मिट्टी सूखेगा तो इसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी, तो नमी बना के रखें इस प्लांट में। सनलाइट की बात करें तो इसे पूरी धूप बहुत पसंद है, सिर्फ मई और जून में जो दोपहर वाली धूप होती है उससे बचा के रखें, बाकी पूरे साल ये
प्लांट पूरे धूप में आप रखें दिन भर की, तो ये अच्छे से चलेगा। विंटर में फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन पौधा हरा भरा ऐसे ही बना रहता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें मैं तो कोई फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। एक बार मैंने लगाया हुआ है, उसके बाद सिर्फ जब लिक्विड फर्टिलाइज़र सारे प्लांट को देती हूँ तब इसमें भी डाल देती हूँ। बाकी कोई इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने बड़ी सी बाल्टी में लगाया है, तो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, ये देखिए यहाँ पे। तो आप अगर बड़े गमले में इसको लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और नीचे से बेबी प्लांट निकलते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से एक निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उसको आप अलग करके नए पॉट में भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से इसमें भी ये निकल जाएगा, तो इसमें पत्तियां आएंगी, फिर फूल इसमें स्टिक वो लंबा सा निकलेगा, फिर फूल खिलेंगे। तो लंबे लंबे स्टिक ऐसे निकलते हैं और उसमें देखिए इस तरह से फूल आते हैं, इसमें फूल आ चुका है। फूलों के बाद उसमें बीज भी ऐसे बनते हैं, तो बीज से भी पौधा ग्रो होता है, लेकिन बेबी प्लांट से ज़्यादा आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फूल खिलने के बाद ये जो स्टिक है ना, इसको कट कर दें, तो वहाँ से फिर नई कलियाँ बनेंगी, नए पत्ते आएंगे, तो फूल ज़्यादा खिलेंगे। ये ज़्यादा फूल पाने का एक तरीका है। जैसे हर फ्लावरिंग प्लांट में प्रूनिंग और पिंचिंग होती है, तो उसी तरह से इसमें भी स्टिक को कट कर देना होता है ऐसे, तो नई पत्तियाँ आती हैं तो फिर उसमें से नए फूल बनते हैं। बारिश के मौसम में इस पे पेस्ट अटैक हो जाते हैं, पत्तियों को कीड़े खा जाते हैं ऐसे, तो आप नीम ऑयल का या किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। बाकी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब